अब खबर जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र से, जहां मालवाड़ा जीएसएस के लाइनमैन पर बदमाशों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। तो वहीं गंभीर हालत में लाइनमैन को सांचौर के लिए रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची रानीवाड़ा पुलिस ने मौके का मुआयना किया, साथ ही मामले में जांच प्रारंभ कर दी। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता रविंद्र सिंह इस वक्त मेरे साथ रानीवाड़ा से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, मालवाड़ा जीएसएस के लाइनमैन पर फायरिंग से जुड़ी हुई वारदात सामने आई है, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, कहां तक जांच पहुंच पाई? रानीवाड़ा तहसील के मालवाड़ा गांव में स्थित जीएसएस पर देर रात्रि को जीएसएस परिसर में बने भवन में शोरे विद्युत विभाग के लाइनमैन नेमी संत को एक अज्ञात व्यक्ति ने जीएसएस परिसर में घुसकर गोली मार दी। गोली मारकर मौके से अज्ञात व्यक्ति फरार हो गया। गंभीर हालत में लाइनमैन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीवाड़ा में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर सांचौर रेफर किया गया। फिलहाल सांचौर के एक निजी अस्पताल में उपचार जारी है। लाइनमैन नेमी संत के सीने में गोली लगी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस पूरे प्रकरण की पड़ताल में जुट गई है। जी रविंद्र, क्या कहा जा रहा है, बदमाश जो वहां से मौके से फरार हुआ, कितने लोग संलिप्त थे या फिर एक ही बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया, पुलिस का क्या कहना है इस पर प्रारंभिक तौर पर? जी, इस पूरी घटना के पीछे क्या कारण है, ये अभी रानीवाड़ा पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के बाद ही पूरा मामला का पर्दाफाश हो पाएगा। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम अपडेट के लिए।